Hi friends, this is going to be a long format video, and as you can already see from the title, it is about my experience with Calculi. So before beginning this video, I would just like to clarify a few things for the basics and for the beginners. So Calculi is a brand, is a fine jewelry which is gold and silver jewelry brand, and they are not recent, but they're not very old also. It's been some 5-6 years that they are around this market, and they have partnered with Tanishq. Tanishq ki partnership hai, but it is not exactly that it's a subsidiary of Tanishq or it's a brand of Tanishq, but to build that rapport and trust, they have written everywhere that it is in partnership with Tanishq. And I think now talking about gold jewelry mostly teen types ki hoti hai, char types ki hoti hai rather. Pure form of gold hota hai 24 karat, but usme hardly aapko jewelry milegi, agar mili to bhi baliyan ya aisa kuch milta hai, ya generally us ginni wagera mein use hoti hai. It's the purest form of gold. 22 karat ki jo gold jewelry hoti hai, wo basically 22 parts of gold or 2 parts of some other metals होती है to make it strong, but फिर भी ये काफ़ी easily bendable, काफ़ी fragile होती है. mostly जो gold jewelry बनती है वो बनती है 18 karat में, या फिर diamonds वगैरह के साथ भी अगर गिनानी हो तो 18 karat में बनती है. however क्योंकि gold की value थी बढ़ती जा रही है, और हर कोई afford नहीं कर सकते, बट लोग पहनना चाहते हैं, या फिर कुछ cases में जैसे diamonds के साथ ये देखा गया कि 14 karat में ज़्यादा best suit करती है gold jewelry, because उसमें वो durability ज़्यादा होती है जो डायमंड्स को उन पोजिशंस पे होल्ड कर सके. कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द डे, टॉपिक ऑफ द टाइटल, कि माई एक्सपीरियंस विद Calculi. गाइज, ये वीडियो देखने से पहले मैं बोलूँगी कि बिल्कुल आप सोचिए कि ऑब्जेक्टिव मेरा रहेगा, एकदम न्यूट्रल एक स्टोरी टेलिंग रहेगी, कि जो भी हुआ मेरा एक्सपीरियंस पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, मिक्सड बैग है, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं एकदम शुरू से आपको बताऊँगी, तो बी देयर. एंड या सो बेसिकली वैराइटीज़ आपको ये ब्रांड्स पे बहुत ज़्यादा दिखती है, जैसे Tanishq, Calculi वगैरह वगैरह वगैरह, बट इनके साथ थोड़े ट्रस्ट इशूज़ होते हैं कि क्या इन्हें ट्रस्ट किया जा सकता है, या फिर क्या ये ओवर द प्राइस एक्सपेंसिव तो नहीं है, रादर देन अ लोकल जूलर, तो वो सब चीज़ें रहती हैं. खैर, हुआ ये कि बहुत टाइम तक ऐसा कुछ खास गोल्ड का परचेज होता, मेरी मैरिज हुई, एंड या तो स्टार्टिंग करते हैं वहाँ से, कि मैंने कुछ डिज़ाइंस दिख रखे थे Calculi पे, जो मुझे काफ़ी पसंद आए, विद रिस्पेक्ट टू द मंगलसूत्र और विद रिस्पेक्ट टू द द इंगेजमेंट रिंग एक्सेट्रा, और मेरा मन मैंने बना लिया कि मुझे Calculi से लेना है. तो जो सबसे पहली मैंने ज्वेलरी परचेज़ करी, वो एक बहुत ही पिटीट सा मंगलसूत्र है, मैं उसकी फोटो यहाँ अटैच कर दूँगी. 18 कैरेट में डायमंड मंगलसूत्र था विद जस्ट अ सर्कल. इट वॉज अ लव एट फर्स्ट साइट, मुझे देखते हुए से प्यार हो गया. रेंज बहुत ज़्यादा नहीं थी उसकी एज सच, मतलब 40,000 के अराउंड मैंने कुछ लिया था, 37 या कुछ कम, 39 का मुझे पड़ा होगा शायद ऑफर में. क्या मुझे वो डिज़ाइन किसी लोकल ज्वेलर पर सस्ता मिल जाता? येस, मे बी, क्योंकि ऐसी फॉर नो डाउट गाइज, ऐसे ब्रांड्स पे Calculi और Tanishq को दे ऑलवेज कॉस्ट देयर मेकिंग चार्ज अ लिटिल हायर. दे ऑल्सो हैव देयर डायमंड कॉस्ट अ लिटिल हायर, क्योंकि गोल्ड की जो कॉस्ट होती है वो स्टैंडर्डाइज होती है, बट डायमंड और मेकिंग पे ये लोग खेलते हैं. बट क्या मुझे वैसा डिज़ाइन कहीं मिलता? आई रियली डाउट. एंड फिर कस्टमाइजेशन करवाना टाइम वेस्ट होता, एंड टाइम इज़ मनी. आप उतने बार लोकल ज्वेलर के चक्कर काटते, पूछते, आई थिंक उस सब हैसल से ज़्यादा शायद मुझे ज़्यादा नहीं, बट मुझे लगता है कि 5-6 हज़ार सस्ता पड़ जाता लोकल ज्वेलर से. बट अब मुझे एक रिंग भी लेनी थी जो मेरे हस्बैंड ने मुझे देनी थी, और मैंने एक रिंग लेनी थी जो मुझे अपने हस्बैंड के लिए लेनी थी. तो सबसे पहले मेरी जो रिंग की बात करते हैं, उस समय मैं सोच रही थी कि मैं इतने ज़्यादा की रिंग नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे सच्चाई था सिंगल सॉलिटेयर, और वो मुझे कम से कम यहाँ पे लैक्स नीचे नहीं मिल रहा. मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं एक बार अपने लोकल ज्वेलर को विजिट कर ही लेती हूँ, अगर मुझे कुछ इंस्टेंट हाथ के हाथ मिल गया तो मैं ले लूँगी, क्योंकि हमारी मैरिज बहुत शॉर्ट नोटिस थी और हमारे पास टाइम नहीं था कस्टमाइजेशन का. बट मेरे हस्बैंड के लिए मैंने रिंग यहाँ से ज़रूर देखी, और इट वॉज अ वेरी 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 प्रिटी डायमंड. लाइक आई थिंक मुझे वैसे उस कॉस्ट में, अगेन आई थिंक वो कुछ 41-42 के अराउंड थी वो रिंग, मुझे याद नहीं, बट मैं कॉस्ट और उस समय की कॉस्ट जब मैंने खरीदी, और स्नैपशॉट यहाँ अरेंज करूँगी. बहुत ही एलिगेंट क्लासिक पीस, और बट आई थिंक मेरे हस्बैंड इज समबडी जो कभी ज्वेलरी नहीं पहनते, एंड ही इज़ अ वेरी मिनिमलिस्ट काइंड ऑफ अ गाय, और उनके लिए वो भी बहुत ज़्यादा थी. तो आई थिंक मैं अभी भी कहूँगी कि इस कॉस्ट में हमें Tanishq में कुछ भी नहीं मिल रहा था, ना गोल्ड ना डायमंड ना कुछ, बट आई थिंक उन्हें पसंद नहीं आई या क्या, या उनको पसंद भी आई पर उनको ये था कि उनको अड़ रही थी, और उनको टेंशन हो रही थी कि डायमंड खराब हो जाएंगे, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस, और नहीं चाहते थे कि उनको हर वक्त केयर करना पड़े उस चीज़ का. तो हम वापस गए, 15 दिन नहीं हुए थे हमारी इंगेजमेंट को, हम Tanishq पे वापस, सॉरी Calculi पे वापस गए. और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी थिंग, दे जस्ट आस्क्ड अस कि आप इसके बदले में कुछ और लेना चाहेंगे या इसके बदले में आप रिफंड लेना चाहेंगे. एंड हमने कहा कि नहीं, हम यहाँ पे देख चुके हैं, बट हमें और कुछ यहाँ समझ नहीं आ रहा, तो हम एक बार Tanishq दोबारा देखेंगे, तो हम रिफंड लेना चाहेंगे. गाइस, विद इन 24 आवर्स मुझे मेरे UPI में जो सारा था अमाउंट वापस आ गया. तो इससे मैं इतनी इंप्रेस हुई कि मैंने उनसे और भी उनके पॉलिसीज़ के बारे में जाना,
फिर उन्होंने मुझे बताया कि यू नो वी हैव लाइफ टाइम फ्री क्लीनिंग ऑफ योर ज्वेलरी विच इज़ वेरी नाइस. आई थिंक ये बहुत ही अच्छा हुआ है. लाइफ टाइम रिप्लेसमेंट ऑफ स्मॉल यू नो पीसेज ऑफ डायमंड्स ऑल्सो. और एक साल के अंदर अगर आप सॉलिटेयर के भी आपको कुछ होता है तो वो रिप्लेस कर देते हैं. दे ऑल्सो हैव अ स्कीम सिमिलर टू तनिष्क, अ किटी स्कीम आई थिंक, जिसमें आप कुछ डालो थोड़ा सा वो डालते हैं एंड आप 6 महीने के बाद कोई आर्टिकल ले सकते हो. बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, तो मैंने ज़्यादा पूछा नहीं. हाउएवर उनकी ओल्ड गोल्ड स्कीम मुझे तनिष्क के कंपैरिजन में अच्छी लगी. वो क्यों मैं आपको आगे बताऊंगी. पर अभी चलते हैं स्टोरी के साथ आगे. तो हम तनिष्क गए, वहाँ से मेरे हस्बैंड ने एक सिंपल प्लैटिनम बैंड पसंद किया. बाद जो मेरी मदर इन लॉ थी उन्होंने मुझे अपनी कुछ ओल्ड ज्वेलरी दी एंड ही सेड कि शी सेड कि आप इसे जाके अगर चाहो तो एक्सचेंज करा लो बिकॉज ये बहुत पुराना डिज़ाइन है और इसके बदले में आप कुछ हाथों का या तो फिर यू नो जो भी आप लेना चाहते हो ले लो. अब इस बीच में एक चीज़ और हुई कि मैं अपने लोकल ज्वेलर के पास गई और उनसे मैंने अपनी इंगेजमेंट रिंग जो मैं चाह रही थी लेना, तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही सुंदर बेगेट स्टाइल बिल्कुल आप देख सकते हैं काइंड ऑफ ऐसी इंगेजमेंट दिखाई जिसमें एक हॉलो था. हॉलो माने ये जो रिंग्स छोटे छोटे डायमंड्स की आप बाउंड्री देख रहे हैं इसे हॉलो बोलते हैं सेटिंग के टर्मिनोलॉजी में. और बीच में पैकेट एक शेप होती है डायमंड की विच इज़ नॉट अ प्रॉपर सॉलिटेयर बट छोटे छोटे लंबे पतले डायमंड की स्ट्राइप्स एक तरह से समझ लीजिए उनको मिला के एक सॉलिटेयर का लुक दिया जाता है. तो ये मुझे कुछ 40,000 में दिख रही मिल रही थी क्योंकि शादी के कुछ 2-3 दिन बाद ही उसके साइड का एक स्टोन निकल गया. ये जो बाउंड्री है ना इसमें से एक छोटा स्टोन निकल गया. अब आई वॉज वेरी पैनिक क्योंकि 40 मैंने सोचा कि मैं इसको रिटर्न कराऊंगी क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है कि अगर 1-2 दिन पहने में निकल गया तो यू नो काम भी करना पड़ता है, किचन में जाना पड़ता है, हाथ धोते हैं, कुछ होता है, तो इसकी कोई सेफ्टी नहीं है और मैं कितनी बार रिप्लेस कराऊंगी. उन्होंने भी कोई फर्स्ट नहीं किया था, छोड़ दे जस्ट सेड वी आर वेरी सॉरी आपके साथ ऐसा हुआ एंड हियर इज योर मनी, वी आर गोइंग टू रिफंड यू कम्प्लीटली. ओके, तो अब मैंने सोचा कि जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ज्वेलरी दी है उससे मैं एक इंगेजमेंट रिंग लूँगी और एक कुछ हाथों का लूँगी. ओल्ड गोल्ड लेके पहले गई तनिष्क में और मैंने वहाँ पर पता किया कि उनकी ओल्ड गोल्ड स्कीम क्या है. नाउ जिनको नहीं पता उनको ब्रीफली बता दूं कि ओल्ड गोल्ड स्कीम में वो आपका कोई भी पुराना जो सोना आप लाते हो उसको पहले अपनी उनके पास एक साइंटिफिक मशीन होती है उसमें वो लोग उसको देखते हैं कि ये 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, कितना कैरेट है, उस हिसाब से जो भी प्राइस उनका होता है वो उस पर बाय करते हैं. नाउ दोनों ही तनिष्क पे भी और कैरेट लेन पे भी दोनों ही मशीन ने जो सोना था वो 22 कैरेट के आसपास बताया. तो दैट वॉज फेयर इन ऑल. बट मुझे जो तनिष्क का परचेसिंग पावर परचेसिंग प्राइस लगा वो बहुत ही अनफेयर और कम लगा जबकि उसी पे कैरेट लेन मुझे बहुत अच्छा डील दे रहा था. मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना जो सोना है वो कैरेट लेन को बेचूंगी. एक बात है कि एक ओल्ड गोल्ड स्कीम में तनिष्क या कैरेट लेन आपको कभी भी मनी नहीं देते हैं, आपको हमेशा उनसे कोई प्रोडक्ट ही खरीदना पड़ता है. तो मैंने फिर हाथ का एक ब्रेसलेट देखा जिसका कि मैं फोटो यहाँ लगा दूंगी. ये ब्रेसलेट उस वक्त मुझे 41 का कुछ पड़ा था, आई थिंक अब इसकी प्राइस घट के 38 हो गई है. तो आई थिंक अगर मैं जैसे प्राइसेस लगाऊंगी यहाँ पे तो आपको याद रखना है कि कुछ चीज़ों के प्राइसेस बढ़े हैं. जैसे मेरे हस्बैंड की जो रिंग उन्होंने वापस करी थी कैरेट लेन में डायमंड वाइट गोल्ड की रिंग, उसका प्राइस थोड़ा इंक्रीज हो गया है. जबकि हाँ मेरे मंगलसूत्र का प्राइस भी इनफैक्ट काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है. मैंने 41 का आर्टिकल जो था अब मैंने खरीदा था 41 का और अभी 38 का हो गया है. तो मैंने ये लिया और एक मुझे सॉलिटेयर रिंग का मन था क्योंकि रिंग मैं अपनी वापस कर ही चुकी थी. सॉलिटेयर लेने का मन था, वो दूसरे सॉलिटेयर की रिंग लुक जरूर देती है. अगर मैंने फोटो लगाई होगी तो आप लोग देख पाएंगे. गोल्ड पहनती हूँ ना ही मैं लेती हूँ, तो मुझे लगा कि क्यों ना फिर मैं ऐसी चीज़ लूँ जो मैं पहनूँ जो कि वो रिंग है, भले वो अगर 1 लाख तक का सॉलिटेयर भी था कॉस्टली. तो ये हुआ. अब उसके बाद हुआ ये कि मैंने ये दोनों सामान लिया वहाँ से और वो रिंग जो मैंने ली सॉलिटेयर वो एक प्रिंसेस कट वाली थी क्योंकि ऑब्वियसली मुझे एग्जैक्ट वैसी रिंग मिल नहीं रही थी जो मेरे दिमाग में थी, जो मैंने अपनी एंगेजमेंट में पहनी थी और वो ख़राब हो गई थी तो वो मुझे मिल नहीं रही थी. तो मैंने एक प्रिंसेस कट की सॉलिटेयर ले ली और मैं उसमें भी खैर मुझे अच्छी लगी, मैं खुश थी. बट समहाउ एक तो वो रिंग का प्लस साइज़ था, वो साइज़ 12 था और मुझे मेरे हस्बैंड को निकलना था साउथ अफ्रीका तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम अपना साइज़ मंगवाएं. तो हमने वो रिंग ले ली. अब कुछ टाइम बाद जब मैं साउथ अफ्रीका में थी तो मुझे उस रिंग में चैलेंजेस आने लगे और उस ब्रेसलेट में भी चैलेंजेस आने लगे क्योंकि एज अ न्यूली मैरिड मैं ये दो चीज़ें में काम भी होता था क्योंकि वहाँ हाउस हेल्प वगैरह नहीं होती हैं तो आपको काम खुद ही करना पड़ता है एंड ऑल दैट. तो हुआ ये कि मेरा जो ब्रेसलेट का अगर आप डिज़ाइन देखेंगे उसका इन्फिनिटी लूप में से ना उसका लॉक जो आप बंद करते हैं वो निकलने लगा, यानी कि वो कभी भी खुल जाता था अपने लॉक से, विच मेड इट वेरी अनसेफ. क्योंकि कितनी बार ऐसा हुआ कि वो मेरे हाथ पे ही अटका रहा है. तो मेरे हाथ अगर आप देखेंगे तो है भी बहुत पतले, तो यू नो मुझे वैसे भी साइज़ बहुत ही छोटा चाहिए होता है, तो उसमें भी अगर वो मेरे हाथ पे खुलने लग जाएगा तो इट वॉज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर मी, बहुत रिस्की. इंगेजमेंट रिंग थी फ्रेंड्स, उसमें भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी क्योंकि वो बहुत बड़ा साइज़ था और वो बार बार मुड़ जा मतलब मेरे हाथ में घूम जाती थी और उसका जो स्टोन का साइड था वो नीचे आ जाता था, लाइक हाथ के बैक ऑफ द साइड आ जाता था. ऑल्दो ये देख रहे हैं ये उन्होंने उसमें भी लगा के दिया था, दिस इज कॉल्ड सिलिकॉन एडजस्टेबल रिंग जो कि लूज अगर आपको होती है रिंग तो वो उससे अपेरेंटली टाइट रहती है, बट ऐसा हुआ नहीं, उसका स्टोन बार बार अंदर की तरफ आ जाता था. मैं इंडिया वापस आई बीच में कुछ टाइम के लिए, मैंने सोचा कि अभी ये टाइम है मुझे वापस जाने से पहले इन सब चीज़ों को एक्सचेंज करा लेना चाहिए. फिर मेरे को 15 दिन से ज़्यादा हो गए थे ये सब परचेज़ किए हुए, तो थोड़ा सा मुझे मतलब उन्होंने स्टोर में बोला कि नहीं है वो, बट फिर मैंने उन्हें दिखाया कि एटलीस्ट ब्रेसलेट में तो जेन्युइन चैलेंज है क्योंकि इसके डिज़ाइन ही डिफ़ॉल्टी है. अगर आप इसको मतलब ये डिज़ाइन ऐसा है कि जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है. तो उन्होंने पूरा वीडियो बनाया, ईमेल भी में लिखा, बहुत अच्छे से स्टोर ने कॉपरेट किया.
और वहाँ से फिर मुझे मैंने ट्विटर पे भी एस्केलेट किया, तो मुझे उनकी जो एक्सपीरियंस टीम है उनमें से एक पर्सन ने कॉन्टैक्ट किया एंड वेरी वेरी थैंक्स टू हिम, क्योंकि उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रही इस पूरी जर्नी में. तो उन्होंने फिर यू नो नेक्स्ट द वेरी नेक्स्ट डे मेरे पास कॉल आ गया. मतलब आई कॉन्ट बिलीव, यहाँ पे 100% हैट्स ऑफ है एफिकेसी ऑफ कैटलिन को, कि पहले दिन मैं गई हूँ, अगले दिन मुझे कॉल आ गया कि आप आके अपना ब्रेसलेट बदल सकते हो. मैंने दो चीज़ों के रिगार्डिंग कंप्लेंट की थी, एक मेरी रिंग जो कि मैंने कहा था कि मुझे बड़ा साइज सही नहीं बैठ रहा है सिलिकॉन के बावजूद, और दूसरा मेरा ये ब्रेसलेट जो कि जिसमें कि फॉल्टी डिज़ाइन है. तो ब्रेसलेट का तो मुझे अगले दिन आ गया कि आप आके बदल लो अगर आपको जो कुछ भी इसके बदले में लेना है. एंड मैंने एक इस बार मैंने थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाया और मैंने कहा कि नहीं मैं चीज़ अच्छी लूँगी और थोड़ी वो लूँगी, तो मैंने थोड़ा एक मोटा पीस लिया विच इज़ नॉट फ्रजाइल और जिसका कि डिज़ाइन प्रॉपर टिक लॉक वाला सिस्टम था जिसमें कोई चांस ही नहीं रहे कि खुल गया या बंद हो गया या गिर सकता है. तो मैंने एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई परचेज. वो मैंने यहाँ पे अटैच भी कर दिया है. उस वक्त कोई डिस्काउंट चल रहा था, आई थिंक वैलेंटाइन वीक था तो डिस्काउंट चल रहा था, और यू नो उस पर और फर्दर भी जो मेरे पुराने पॉइंट्स थे मैं उनको भी यूज़ कर पाई, तो मुझे काफ़ी अच्छी डील मिल गई यहाँ पे. अब उसके बाद बारी आती है रिंग की. और रिंग में मैं उस जो एक्सपीरियंस टीम्स उनके मेंबर थे मैं उनके साथ कॉन्स्टेंटली टच में थी, मुझे कॉन्स्टेंटली अपडेट देते थे, मुझे फ़ोन करने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, वो मुझे बताते थे कि उन्होंने कैसे कैसे परमिशन वो ले रहे हैं और क्या क्या इस केस पे काम कर रहे हैं. फिर ये हुआ कि क्योंकि मैं चाहती थी कि ये रिंग मुझे बहुत सेंटिमेंटल वैल्यूज़ की है, तो अगर ये सेम रिंग ही साइज 10 में आ जाए तो सही रहेगा. तो उन्होंने वो चीज़ अवेलेबल कराई और यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि जो इसकी करंट रेट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैरेटलिन पे रेट्स प्लस माइनस होते रहते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं. तो उस वक्त ये रिंग मैंने खरीदी थी कुछ 1,05,000 की जब मैंने ली थी, मैंने पिक्चर अटैच करी होगी पीछे, और अब ये रिंग हो चुकी थी कुछ 92,000 की, लगभग लगभग कट कटा के कुछ 10,000 का डिफरेंस था, जो अब ये 10,000 सस्ती हो चुकी थी. तो उन्होंने मुझे वो भी रिफंड करवाए विच वॉज अ बिग डील. तो मैंने ये साइज 10 में रिंग ली और अपना रिफंड लिया. हाउएवर कुछ मुझे एक चीज़ की डाउट हो रहा था कि मुझे ये रिंग देखने में जो उसका प्रॉन्ग साइज़ था वो छोटा लग रहा था, लाइक कैरेट जो डायमंड का था वो छोटा लग रहा था, और प्लस इसका जो सर्टिफिकेट था, और आपको पता होगा कि किसी भी गोल्ड ज्वेलरी में साइड में एक बारकोड वाला टैग होता है, उसका जो सर्टिफिकेट आया और जो बारकोड वाला टैग आया उसमें गोल्ड वेट में डिफरेंस था. तो मुझे ऐसा लगा कि यू नो, और कैरेटलिन ने कहा कि ये एक स्लिप ऑफ लाइक एरर है, एक मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है. बट मुझे ये बात कुछ समझ नहीं कि आप जब ऐसा कोई डायमंड्स या गोल्ड रिलेटेड जहाँ पे एक एक ग्राम की एक मिलीग्राम की वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, उसमें आप ऐसी गलतियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते. तो मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है. वैसे भी मुझे टू माई आईज़ ऑल्सो मुझे वो छोटा लग रहा था जो साइज 10 का डायमंड था, मुझे लग रहा था कि ये 0.5 कैरेट नहीं है जो मेरे रिंग में था, बल्कि 0.4 लग रहा था, क्योंकि बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है बट कॉस्ट वाइज बहुत मैटर करता है. तो मैंने कैरेटलिन से इशू उठाया, मैंने कहा कि आई एम नॉट हैप्पी विद द परचेज, जो आपने मुझे रिंग अवेलेबल कराई है, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आपने मुझे करवाई है, बट मुझे ये नहीं लग रहा. एंड इसके बाद फिर एक लंबी जद्दोजहद शुरू हुई. तो ये कुछ पहला वाला मेरा काम विद इन 1 वीक ऑफ माई फर्स्ट विजिट टू स्टोर हो गया था, बट इसके बाद थोड़ी लंबी सी डिस्कशन हुई. ऑब्वियसली उन्हें भी लग रहा था कि हमने तो इतना कुछ करा है आपके लिए, आपको पैसे भी वापस लाए, एंड देवर राइट. बट सो वॉज आई कि यू नो मेरे को जो चीज़ अगर किसी चीज़ में वहम आ जाए और गोल्ड रिलेटेड, तो आई थिंक आपको एज अ कंज्यूमर पूरा राइट है जाने का और जानने का. तो मैंने फिर से उनसे बोला कि नहीं, आई एम नॉट हैप्पी. मैंने ट्विटर पे भी एस्केलेशन दोबारा डाला कि ये क्वालिटी में या ये प्रिंटिंग चूक कैसे हो सकती है. उसके बाद बात ये हुई कि मुझे ये रिंग रखनी ही नहीं, मैं ऑल टुगेदर एक नई रिंग लूँगी, चाहे मुझे उस पर से ऊपर से पैसे भी इन्वेस्ट करने लगे, पर मैं 0.5 कैरेट के कुछ डायमंड्स देखना चाहती हूँ अपनी आंखों से टू सी कि क्या मेरे पास जो रिंग आई थी वो सही थी. एंड समहाउ आई वाज नॉट हैप्पी, आप कह लो मेरा माइंड स्विच हो गया था क्या, बट मुझे ये रिंग डिज़ाइन ही नहीं चाहिए था. उसके बाद कैरेटलिन ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद मेरे घर पे एक ट्राई एट होम सेशन रखवाया. उनकी एक टीम होती है जो आपको घर पे ज्वेलरी ट्राई कराती, तो मैंने कुछ ज्वेलरी सेलेक्ट करी 0.5 कैरेट की, मेरे बजट की जो भी चीज़ें थी. दे वर ऑल्सो ग्रेशियस इनफ, क्योंकि मैंने जो पिछली जो रिंग मैंने जब ली थी तो वही डायमंड वीक वाले ऑफर में ली थी जो वैलेंटाइन ऑफर था. दे वर ऑल्सो ग्रेशियस, वेरी ग्रेशियस इनफ टू काइंड ऑफ एक्सटेंड दैट ऑफर टू मी इवन यू नो बियॉन्ड वैलेंटाइन, क्योंकि वही है कि मैंने उस समय रिक्वेस्ट उनसे की थी और उसको सब जद्दोजहद को होते होते बहुत देर हो गई थी. तो ये हुआ. और उसके बाद अगेन वो जो मेरे घर पे आए तो मेरे पास 10,000 रुपये इनके ऑलरेडी थे, 10,000 से कुछ ज़्यादा, 10,800 या कुछ, जो मुझे पहली रिंग में फ़ायदा हुआ था. और प्लस मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाती हूँ और एक ऐसी रिंग लेती हूँ जो एटलीस्ट मेरे हाथ पे दिखे. और कोइंसिडेंटली मुझे बिल्कुल एक वैसी ही रिंग जैसे मेरी यू नो ओरिजिनल जो रिंग थी, अगर आप देखेंगे इट इज़ वेरी सिमिलर, बस शुरू में मैंने इसकी पिक्चर अटैच करी है तो सिल्वर में थी और इसके बैंड्स पे भी डायमंड की लेयर थी. इसमें बैंड में डायमंड की लेयर नहीं है, हॉलो पे है, बट ये जो सेंट्रल डायमंड है इट इज़ अ प्रॉपर सॉलिटेयर और ये सोन सेटिंग का डायमंड नहीं है. आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मेरा जो सेंटिमेंटल वैल्यू थी और कहीं ना कहीं जो मुझे लुक डिज़ाइन एट लव एट फर्स्ट साइट था वो यही था. तो मैंने कहा कि ठीक है मैं अपना बजट बढ़ाऊंगी. एंड देन उन्होंने उस पर थोड़ा डिस्काउंट वही वैलेंटाइन वीक वाला लगाया, कुछ और एक दो यू नो जो मेरे पॉइंट्स थे वो सब लगा लूँ के. आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी जितनी कि मेरी ओरिजिनल जब मैंने वो रिंग ली थी 1,500 की, उससे कुछ 2,000 या कुछ ऐसे ही ज़्यादा थी, जबकि उस वक्त उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था. सेम मॉडल जो मेरे पास अब है उसका उस वक्त बहुत ज़्यादा था, तो मैंने हिम्मत नहीं की थी.
आई थिंक कैरोलिन की सबसे अच्छी बात मुझे एक तो उनकी यू नो जो भी उनकी एक्सपीरियंस हॉस्पिटैलिटी है बहुत अच्छी लगी, दे वेंट आउट ऑफ देयर वे. इसमें उनको 100% मार्क्स देना चाहूँगी. आई थिंक बहुत लोग बोल देते हैं कि ये ऐसा एक्सपीरियंस है वैसा एक्सपीरियंस है, बट आई थिंक अगर आप थोड़ा सा उनको रीच आउट करने की कोशिश करो और मतलब 19-20 हर ब्रांड से हो सकता है, बट कितना वो कोऑपरेटिव है अपने उस ब्रांड को मेंटेन करने में, अपनी एक मुझे लगता है कैरोलिन की एक मार्केट में वो अपनी इज्जत बनाना चाह रहे हैं और वो बहुत हार्ड ट्राई कर रहे हैं यू नो इसको मेंटेन करने का. मुझे नहीं लगता कि अगर सेम चीज़ तनिष्क के साथ हुई होती तो शायद उतने कोऑपरेटिव होते, क्योंकि तनिष्क आज के डेट में बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है. उनको एक या दो कस्टमर के लॉस से फर्क नहीं पड़ेगा, बट कैरोलिन को भी नहीं पड़ेगा, उनके बहुत कस्टमर है, बट स्टिल दे वेंट आउट ऑफ देयर वे टू मेक यू नो रिटेन अ कस्टमर. आई थिंक इट्स अ बिग डील एंड फॉर श्योर आई थिंक मैं हमेशा आप कैरोलिन के पास जाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर उनसे कुछ 19-20 भी हुआ तो दे वुड यू नो ट्राई टू एटलीस्ट मेंटेन. और आई थिंक यही चीज़ें होती हैं जो एज यू ग्रो बिग आप भूल जाते हो, यू नो यू थिंक दैट यू हैव सो मेनी कस्टमर्स दैट यू डोंट नीड टू रिटेन कस्टमर, और फिर इवेंचुअली यू नो वो दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट हो जाते हैं. तो आई होप कैरोलिन ऐसा ना सोचे कभी, वो अपनी ऐसी स्ट्रैटेजी ना बनाए. बस यही मेरा एक्सपीरियंस था गाइज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कैरोलिन की आउट ऑफ यू नो आउट ऑफ ऑर्डिनरी कस्टमर सर्विस के बारे में. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, साथ ही आपको एक एक नो हाउ मिलेगा कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आपको ज़रूर यू नो ब्रांड्स की कस्टमर टीम को रीच आउट करना चाहिए.